ये कर, दिखाते हैं आपको, कोशिश करते हैं जी सर से दिखाया जाए। गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर रंजीत आर्या सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आत्मा समधानी मैम और हमारी रिस्पेक्टेड प्यारी IHF फैमिली। तो आज जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज इंडिया के साइंटिस्ट ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। ये बहुत ही हिस्टोरिक पल है, बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है ये। हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारा भारत वहां पहुंच गया है, यहाँ अभी तक कोई दूसरा देश पहुंचा नहीं है। तो आज हम इस जो ऐतिहासिक पल जो आए हैं उनको एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करते हुए आज की बीसी को करेंगे। तो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर रेनू खंतवाल मैम सच में बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं कि आज के दिन उनका वीसी है जो हमेशा के लिए हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनोज, और आपको गुड इवनिंग, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये कोइंसिडेंस है कि आज मेरा ही केस है, और भी बड़े सारे कोइंसिडेंस हैं, आगे बताऊंगी। जी जी, डेस्टिनी ने आपको चूज किया है मैम। थैंक यू सो मच। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय जय। और हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और इस हिस्टोरिक मोमेंट पर हमें ज्वाइन करने के लिए सर का बहुत बहुत आभार, और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो थैंक यू वेरी मच सर, भारत माता की जय। जी सर, भारत माता की जय। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, लेकिन स्केप सर, स्केप आपका पक्का रूब्रिक है सर। देखते हैं मैम, कुछ भी पकड़ लीजिए ना, तो वो मिस्टर इंडिया ही बने रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे वो। आरंज सर, लेकिन सीमा मैम जब आती है ना तो सच में ग्रुप में मजा आता है, और आप भी कभी कभी ऐसे सॉन्ग सुना देते, बाप रे, है ना। तो हमारा ग्रुप ही एवरग्रीन है, जैसे आपने अभी गाना सुना है ना, भारत माता, है ना, भारत के लिए। सो वेरी गुड इवनिंग IHF फैमिली, एंड सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू द रिस्पेक्टेड मेंटर्स ऑफ द ग्रुप, मनोज सर, रंजीत सर, शशिकांत सर, अस्मा मैम, दिलीप सर, लियाकत सर, सबको बहुत मेरे आभार है। और आज सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भी, एक हम इंडियंस के लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट भी है, चंद्रयान 3 जैसे कि साउथ पोल में लैंड किया है, तो इंडिया इज द फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री बन गया है जहाँ पे स्पेस क्राफ्ट जो है वो साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया है। सो इट्स अ कोइंसिडेंस ऑल्सो कि मेरा केस भी आज ही है, और रेमेडी भी बहुत ही, ये जो रेमेडी आज हम डिस्कस करेंगे ये भी इट्स वेरी नाइस रेमेडी, मतलब। सो आई नरेट द केस। सो ये गर्ल पेशेंट है, 15 ईयर्स ओल्ड, सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक रिनाइटिस सिंस 2-3 मंथ्स। सो पेशेंट ने स्टार्ट किया कि बहुत पहले फीवर हुआ था, हेड नीचे करती थी तो दर्द होता था, और डॉक्टर ने बोला कि साइनोसाइटिस है, और मेरा ये होता रहता है, आता रहता है। सो शी लाइक, मतलब एक राइम में उसने बोला, होता रहता है, आता रहता है। सो मैंने पूछा कि कितने दिन से कोल्ड हो रहा है एग्जैक्टली,
सो पेशेंट ने मदर की तरफ देखा और एक्चुअली शी डिडंट आस्क हर, शी कंफर्म्ड हर कि कब से हो रहा है. सो आगे फिर मैंने पूछा कि सिम्टम्स क्या है. तो पेशेंट ने कहा कि छींके आती रहती है, बार बार रनिंग नोज होता है. और फिर मैंने पूछा कि इसको लेकर मन में क्या आता है. तो पेशेंट ने कहा इरिटेशन ही होती है, बाहर मुझे इतना नहीं होता और घर पर ज़्यादा होता है. सो हर मदर एडिट कि जैसे ही एसी चलता है छींके शुरू हो जाती है और ये एसी बंद बंद करवा देती है. तो पेशेंट ने कहा कि हाँ बाहर इतना नहीं होता और ठंडे से प्रॉब्लम होता है. सो मैंने पूछा कि छींके आने से एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या फील करते हो आप. तो पेशेंट ने कहा कि छींके आती हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, पढ़ाई में एक फ्लो होता है वो टूट जाता है. सो मदर ने एकदम से ऐड किया कि इस साल 10th है. सो पेशेंट ने कहा कि जब मुझे बुखार हुआ था तब सिरदर्द हुआ था, वो अलग ही सिरदर्द था, ऐसा लग रहा था कोई फेंक ही रहा है. एंड ही शी डिड द एक्शन ऑल्सो. तो मुझे सोने में ही ठीक लग रहा था, ऐसे लग रहा था सो ही रहो. सो फिर मैंने पूछा अभी कोई स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके, किसी भी लेवल पे कोई स्ट्रेस है. तो पेशेंट एक बहुत माइल्ड स्माइल किया कि एग्ज़ाम्स का ही स्ट्रेस होता है और तो कुछ होता नहीं. सो मैंने पूछा कि 10th का ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है. तो पेशेंट ने कहा कि 10th का इतना ज़्यादा लग रहा है, बोर्ड्स हैं, अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत ही माइल्ड एक टोन में बोला. और फिर मैंने पूछा कितने मार्क्स आ जाते हैं. इमीडिएटली शी रिप्लाइड कि मैं एवरेज. तो मैंने पूछा कि 70% मार्क्स आते हैं, 80% आते हैं. अगेन उसने क्या किया, मदर की तरफ देखा एंड शी कंफर्मिंग द मार्क्स. देन फिर मैंने उसको पूछा कि आप थोड़ा सा अपना नेचर बताओ. द पेशेंट गेट कन्फ्यूज. उसने बोला कि अपना नेचर याद ही नहीं रहता, दूसरे का तो बता भी दो. वैसे मुझे घूमना फिरना अच्छा अच्छा लगता है, बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मदर ने ऐड किया कि बैडमिंटन और फुटबॉल ये खेलती है, उसको स्पोर्ट्स में बहुत पसंद है. तो मैंने थोड़ा कंफर्म किया कि आउट ऑफ स्टेशन जाना अच्छा लगता है या ऐसे ही घूमना अच्छा लगता है. तो उसने बोला कि कैसे भी अच्छा लगता है, ऐसे भी वैसे भी. सो मदर ने बोला कि घूमना तो सबको ही पसंद होता है. तो पेशेंट ने इमीडिएटली बोला मुझे ज़्यादा पसंद है. फिर बोला कि मुझे मैंने पूछा हॉबीज़ क्या हैं. तो उसने बोला कि डांस पसंद है, क्लासिकल सीख रही हूँ. तो क्लासिकल डांस सीख रही हूँ. तो मैंने पूछा कितने साल से सीख रहे हो डांस. तो अगेन शी लुक्ड एट मदर एंड शी कन्फर्म द कि कितने साल से क्या है ये. सो फिर मैंने पूछा खाने पीने में क्या पसंद है. तो मदर ने बोला दही बहुत पसंद है इसे, दही के बिना खाना नहीं खाती है. तो पेशेंट ने बोला हाँ दही तो पसंद है हमेशा, लाइक क्राइम की तरह बोला हमेशा. सो मैंने पूछा कि अभी क्यों लगा कि दवाई लेने की ज़रूरत पड़ गई है. तो पेशेंट ने कहा बहुत हो गया, दिमाग ख़राब हो जाता है, एक या दो छींके नहीं आती, 10-12 छींके आती हैं और एक साथ आती है. तो मैंने पूछा कि बहुत छींके आती हैं तो फिर क्या करने का मन करता है. तो पेशेंट ने बोला एक एक्शन करके बताया कि बस चुपचाप बैठ जाओ. सो दिस वॉज द केस. प्रवीण सर अगर आप वीडियो रन कर देंगे तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर. जी मैम. अभी कोई पार्टिसिपेट करेंगे डॉक्टर्स जो है. बहुत से डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है क्योंकि ये केस थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही था, जेस्चर्स को लेके और उसके हाव भाव पे मेडिसिन जो है मैंने दी है. तो कोई पार्टिसिपेट करेंगे तो बताइए. राहुल सर आप ही बताइए सबसे पहले आज. रेनू मैम, मैंने तो कुछ सोचा है लेकिन सभी का सुनेंगे पहले, फिर मैं अपना तो ग्रुप पे डाल दिया था सुबह से ना. ग्रुप पे आज बहुत एंजॉय हुआ. मेरा तो फर्स्ट उसको देख के प्लेटिन आ रहा था, बाद में बीच में एक कोलोसिंथ का भी एक फील आ रहा था, उसमें एक थोड़ा सा कड़वाड़ी भी दिख रही थी, एक गुस्सा भी दिख रहा था, फिर से आर्निकल जैसा ईगो भी दिख रहा था. पता नहीं ये कौन सी रेमेडी है, आपने कैसे क्रैक की. लेकिन हम सभी से सभी का सुनेंगे फिर आप डिस्क्लोज कीजिए प्लीज. हाँ ठीक है सर. बताइए कोई.
हेलो सभी पार्टिसिपेंट प्लीज फास्ट कीजिए ना, है ना। इसे हर किसी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, देखिए संजू ने मैम आपने भी बहुत बड़े पार्टिसिपेट किया है, और हाँ अंजू मैम, सीमा मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम देखो मेडिसिन तो, हाँ गुड इवनिंग मैम, मेडिसिन का भी क्या है वो शुरू में बोली उस हिसाब से नेक्स्ट, लेकिन वो तो फिजिकल वाला कंडीशन है, लेकिन जो इसको वीडियो को देखते हैं ना मैम तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा लोड तो नहीं लिया, हालांकि मैंने बेलाडोना निकाली और रूबिक्स भी लिए उस हिसाब से, लेकिन इसका जो आप जेस्चर की बात कर रही है ना, एक तो मुंह को अजीब सा बना के बात कर रही है ऐसे अपनी मस्ती में, और शक्ल भी कई बार वो बना रही है तो, और आईज ब्रोज को और मतलब हैंड जेस्चर्स वगैरह, तो ऐसा अलग कुछ हमको मतलब मेडिसिन पता नहीं चल पा रहा है, हमने तो रूब्रिक के थ्रू जो उसने बोला उसी को पकड़ के मेडिसिन लिया तो उससे पहला टोना और वो जी मैम, तो बाकी अगर हाँ तो जैसे ऐसा लगा जैसे कोई कोकेटिश भी लगा कभी कभी क्या, तो लेकिन ऐसा लगा बहुत लाइट वाली है, और जो उसने बोला कि छींकों से मैं ऐसे परेशान हो जाती हूँ ऐसा, तो एक बार डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड की तब से हो रहा है, एक ये मुझे इसमें लगा, और तो और उसके बाद में उसने बोला बहुत ज्यादा हो जाता, बहुत ज्यादा हो गया बस अब इतना, तो ऐसा लगा परसिक्यूटेड लगी उस वक्त, और एक्स्ट्रा वेगन हो गया उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा निकल गया, तो एक फील ओपीएम की तरफ भी जा रहा था जैसे कंटेंट में और ब्लीस में रहने वाला बंदा होता है, मतलब इसी टाइप से लाइट और मार्क से बार बार में वेरीफाई कर रही है हर चीज को, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही है, तो ऐसा मिला जुला सा हमको लगा एग्जैक्टली और बताइए रेनू मैम, मैं थोड़ा ऐड करूंगा, सीमा मैम है ना हमारे ग्रुप की जान है सच में कुछ भी रेमेडी हो ना उनका एनालिस बढ़िया से, रॉन्ग हो सही हो, लेकिन ऐसे नहीं किसी की तरह जैसे मैं कैमरा ऑफ करता हूँ ना वैसे उनका नहीं होता, वो अपना एनालिस इतना बड़े से सुनाती ना, है ना, तो ऐसे ऐसे मेंबर्स मुझे बहुत पसंद आते, तो मुझे याद आता है सीमा मैम, है ना। हेलो 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 मैम, हाँ ये जो बंदी है मुझे सीरियस टाइप का लग रही है, और जो हाँ इसका जो इसके चेहरे पे थोड़ा भी हंसी नहीं है, ये थोड़ा मुझे सीरियस फील हो रहा है, और ये जो जैसे जैसे ये बैठी है ये कॉन्फिडेंट बंदी है, और इसका जो एंटीसिपेशन है एग्जामिनेशन के बिफोर एंटीसिपेशन है इसको, और ये रेस्ट चाहती है इस जब उसका जो जब सीरियस जब ये जब होता है मतलब जब सीरियस कंडीशन होता है अग्रेवेशन ज्यादा होता है, सीरियस नहीं अग्रेवेशन ज्यादा होता है उस वक्त ये रेस्ट चाहती है, हाँ रेस्ट चाहती है, ये मुझे नक्स का फील आ रहा है, एम्बिशियस भी है बहुत। आपका कुछ मतलब आपके कुछ ऑब्जर्वेशन काफी करेक्ट है, उससे मतलब एंट्री कर सकते हैं रेमेडी में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम इनिशियली व्हेन वी ऑब्जर्व हर शी इज गिविंग गेस्चर्स, शी इज लुकिंग एट हर मॉम फॉर ईच एंड एवरी आंसर, सो यूजुअली इन अट्रमोर चाइल्ड दे यूजुअली रेसिप्रोकेट और रादर लुक इन फॉर दिस brief from mother, so initially her gesture is like natramore, she is looking at her mother's face for each and every answer, and in between there is a bit of light feel like belladonna depending on her body movements and all, and she is also like phosphorus, like she is artistic and she is into dance, so carcinosin a bit of we need the final answer from you, ma'am.
करेक्ट, अगेन करेक्ट ऑब्जर्वेशन मैम. बस वो जो मैम अपनी मदर से जो पूछ रही है ना, एक्चुअली कंफर्म, एक्चुअली शी इज नॉट मतलब आंसर नहीं मांग रही, वो कंफर्म कर रही है चीजों को, इतना था, ऐसा था, ऐसा था. गुड इवनिंग मैम. ब्लॉग्स वगैरह वाला नहीं होता है. गुड इवनिंग सर. हेलो. हाँ गुड इवनिंग मैम. ये जो लड़के है ना, तो बहुत कॉन्फिडेंट लगी मुझे. पहली बात तो कॉन्फिडेंटली बात कर रही है और बेझिझक लग रही है. मतलब उसको वो कुछ छुपा नहीं रही. ये बात मुझे बहुत प्रॉम्प्टली लगी उसमें, कि जैसे कि आपने पूछा कि स्टडीज में कैसे है, तो उसने फट से बोल दिया कि मैं एवरेज हूँ. हालांकि उसकी माँ उसको कवर करेगी, उसके ट्यूशन लगाए वगैरह ऐसा कुछ तो भी. और एक जब मैं उसको वीडियो म्यूट करके देखता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि वो हैंड जेस्टर्स बहुत यूज कर रही हो. मतलब कम्युनिकेटिव तो है, मतलब थ्रू एंड थ्रू वो कम्युनिकेटिव भी है. दूसरी बात यह है कि वो बहुत लाइट लगी मुझे. मतलब किसी बात को सीरियसली नहीं ले रही और बहुत कैलकुलेटिव नहीं है वो. मतलब कुछ भी हो तो माँ से वो बोल रही है कि जैसे कि समझो मार्क है, आपने अपने मार्क अपने को पता चलता है कि गए साल कितने थे, लेकिन उसके लिए भी वो माँ की तरफ देख रही है. मतलब बहुत लोड लेने वाली नहीं है. उसको घूमना फिरना पसंद है ज़्यादा. मतलब बहुत सीरियसली स्टडी करने वाली या सीरियस ऐसी बंदी नहीं लगी. और ये उम्र की जो लड़कियां रहती है, तो कानों में बाले होना या ऐसे लड़की जैसे कुछ जेस्चर्स मुझे नहीं लगे उसमें. वो खास बात लगी, खाली एक कड़ा है जैसे कि बॉयज पहनते हैं वैसा कड़ा है. कुछ मेकअप वगैरह उसने नहीं डाला है और खाली एक रिंग और एक कड़ा है उसका. और जो बात करने का तरीका है वो भी बहुत कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा बॉयज लाइक लगा मुझे. तो मैं तो बेल लैकेसिस फॉस ऐसे रेमेडीज आ रहा था, लेकिन कन्फर्म नहीं हो पा रहा हूँ. बहुत ही बढ़िया सर, आपका ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस वंडरफुल. थैंक यू. हाँ दत्तात्रेय सर, आपने बहुत इतना एनालिसिस और इतना ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया किया ना, लेकिन आपके रेमेडी और मेरे रेमेडी में बहुत डिफरेंस आ रहा है. मुझे तो पता नहीं प्लेटिना की ओर लग गई सर. आप एंगर मुझे तो कहीं दिख रहा नहीं. एंगर में देखने का कोशिश कर रहा हूँ कि एंगर तो नहीं दिख रहा मुझे. दत्तात्रेय सर, उसने मदर की ओर देखा ना, तो देखे ना उसका एंगर और चेहरे का एक्सप्रेशन, तो मुझे फील हो रहा था वो कुछ एंगर है, ईगो भी है. पता नहीं उसके गेस्चर इतना सिम्पलिटिक तो नहीं है सर. मदर की तरफ देखना जो इतना हाई लेवल का एक सिम्पलिटिक गेस्चर तो नहीं आ रहा. जी जी, लेकिन एंगर से डिस्क्लोज हो गया ना, तब हम सभी हंसेंगे या रोएंगे. नहीं आज तो हंसेंगे. एनीवन एल्स, और कोई पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ मुझे वो रिदम में लगी. हाँ मैम. हाँ जी मुझे वो रिदम में लगी. वो जो उसका नेक भी हिलाती है तो रिदम में हिलाती है, और बाद में टोन भी उसका रिदम में लगा. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. मतलब एक फील अपीलिंग फील आया या नॉन अपीलिंग फील आया उसके गेस्चर्स में? अपीलिंग फील आता है या एक नॉन अपीलिंग सा फील आता है? नहीं समझ. अपीलिंग मैम. अपीलिंग अपीलिंग या मैम. और कोई पार्टिसिपेट करे? सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता दे, रेमेडी नहीं, जस्ट एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग संजीवनी मैम. हाँ वो क्या कर रही है, मैं अपने वो सब बता रही है कॉन्फिडेंटली, लेकिन बीच में वो कुछ भी कंफर्म करना है तो मैम अपनी मदर के पास, मदर के क्या है बोलते हैं उसको, मदर के थ्रू देख रही है और बाद में वो कंफर्म कर रही है वो जो बताना है, वो डेट और उस क्या बोलते हैं वो टाइमिंग बताने का है वो तो. और उस तरफ उस टाइम वो मदर को अलग ही लुक दे रही है, ऐसा ऐसा फाउनिंग और एनॉइंग ऐसा लुक दे रही है और आपके सामने अच्छा प्रेजेंट कर रही है. और वो आपने अनॉइंग लुक लगा मदर की तरफ? हाँ ऐसा लगा थोड़ा. और आपके सामने वो अच्छी प्रेजेंट कर रही है
और वो अपने ही धुन में ऐसे बैठे है, बीच में वो गाना जैसे गुनगुनाते हैं मन में, और वो एक मोमेंट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और उसको ज्यादा तो उसने जो मॉडलिटीज बताई उसे तो नक्स आता है, और ऐसा देखा तो कई कई बार से वो एंगल से वो बेला लगती है, लेकिन इतना भी बेला का चुलबुलापन और ऐसा नहीं दिखता है उसमें। एक समटाइम्स वो प्लैटिना का भी गोस्टिक ऐसा लुक भी बीच बीच में आता है उसमें। आप ये एनालिसिस मैम, थैंक यू मैम, मतलब आपका काफी हद तक काफी एनालिसिस वेरी करेक्ट है। वो चाइल्डिश लग रही है मैम, मतलब अनोइंग लुक से भी ज्यादा उसको चाइल्डिश लगा मुझे, चाइल्डिश या कोकेटिश ऐसे बोल सकते हैं जो लुक दे रही है माँ को, तो उसमें ज्यादा उसको कोकेटिशनेस ऐसे है ना क्या, बालिशपना या चाइल्डिशनेस ऐसा लगा मुझे, अनोइंग लुक नहीं लगा मुझे, एंगर तो नहीं दिख रहा प्रो एंड ट्रू, लेकिन ऐसा लाइटनेस थोड़ा लाइट गेस्चर्स ही है, मतलब मेरे कहने का मतलब लाइट गेस्चर्स है, कोई ऐसे सिम्पलिटिक गेस्चर्स नहीं है कि मदर को बुरा लगेगा या सामने अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे अजीब लगेगा, ऐसा कुछ गेस्चर्स नहीं है। अपनी मस्ती में जो आदमी देखेगा या बोलेगा ना, वो ऐसा लगा उधर कुछ किसी को उससे कोई प्रॉब्लम हो या वो किसी को देना चाह रही है प्रॉब्लम, जैसे प्लेटिना देती है, ऐसा तो कुछ नहीं लगा इसमें। बिल्कुल 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 सही। हेलो मैम। हाँ जी मैम, चरणदीप मैम, हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेडिसिन तो मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट एनालिसिस वाइज मुझे लगा कि पहले तो ना ये कॉन्फिडेंट तो है, जैसे डॉक्टर के साथ भी बात कर रही है ना, शी इज टॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली है ना, और जो इसकी हैंड मूवमेंट है वो मुझे लगा कि जेस्टर्स इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड्स, वो ऐसे लगा कि हिला तो रही है हर बात पे कुछ ना कुछ किसी तरीके से हाथ हिला रही है वो, है ना, और कम्युनिकेटिव तो है ही है, अच्छे से बता ही रही है, और एक ना मतलब दो तीन बार उसने मदर की तरफ देखा आंसर देते समय ना, वो जब उसकी पता नहीं एज पूछी थी तब उसने देखा एक बार मम्मी की तरफ, है ना, एज में पता नहीं किसी और बात में भी, वो मुझे इसकी हाँ तीन चार, वो या तो उसकी कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी है कि वो कैलकुलेट नहीं कर पा रही है एग्जैक्टली, है ना, तो मदर की तरफ देख रही है, और अदरवाइज देखें तो मतलब जैसे उसके फ्रेंड्स भी हैं, घूमना फिरना भी अच्छा लग रहा है, तो एंजॉय करने वाली है अदरवाइज देखें तो, है ना, बट जो प्रॉब्लम मेनली आ रही है उसको वो वही आ रही है कि वो काम नहीं अपना कर पा रही ड्यू टू वो जो उसकी स्नीजिंग बढ़ गई है, तो वहां पे वो इरिटेबिलिटी में जा रही है कि डिस्टर्ब हो रही है कि उसको बार बार जाना पड़ता है वॉशरूम, है ना, तो वो उसकी वहां पे वो डिस्टरबेंस उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इसलिए वो आई है, और मे बी उसका जो बिजनेस है वो तो अभी बीइंग अ चाइल्ड ऑफ 15 इयर्स हु इज इन 10th, उसका बिजनेस तो उसकी पढ़ाई है ना, तो वो बिजनेस में डिस्टरबेंस आ गई, तो मेरा ना नक्स और लैकेसिस के बीच में आ रहा है, बट आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट द रेमेडी, अदरवाइज एनालिसिस इज लाइक दैट ओनली। वंडरफुल मैम, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस, हेलो मैम जी। हाँ, अब मेरा भी यही मानना है कि ये कम्युनिकेटिव है, फिर एक्सप्रेसिव है, और जो उसका जो हस्तियन है तो उसको पिंपल्स यानी वो जो खद्दे गालते पड़ते हैं, और उसका चीन है वो एकदम पतला है और हेड बना है, तो ये जनरली फास्फोरस वाले का होता है। और बनाना चाहते हैं भैया बना, हाँ पादन रशीदा मैम, आपका तो वो क्या है कि वो बेसिकली फर्स्ट वो बात में हस्ती है, फिर उसका आर्ट में उसका इंटरेस्ट है, तो फॉस्फोरस क्या एक्सट्रोवर्ट बहुत ज्यादा होता है, पढ़ाई में एवरेज होता है, हालांकि दे आर इंटेलिजेंट ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है उनका बहुत सारे विषयों में अपना यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन होता है, और ये लड़की ऐसी लगती है क्योंकि वो मैथमेटिक्स में वो पुअर ही होते हैं फास्फोरस वाले, यानी वो कैलकुलेटिंग एबिलिटी बहुत, वो साल भूल जाते हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि वो आगे ही जाते रहते हैं, पीछे का उनका आप पूछोगे। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है,
उसकी मदर ने 2-3 बार बोला एसी उसको पसंद नहीं है, तो फॉस्फरस वाले का एक टिपिकल होता है दे डिसलाइक कोल्ड, उनको कोल्ड से बहुत, हाँ बाहर की हवा अच्छी लगती है लेकिन कमरे में एसी हो या ठंडा पानी हो वो हो उससे वो उनको तकलीफ होती है। तो ये मैंने तो रूब्रिक्स लिया ही नहीं है, ये कंप्लीट फॉस्फोरस की फील आती है। जी सर, जी सर। रेनू मैम एक और चीज उसमें थी कि जैसे उसने बोला कि उसे मैथ्स में प्रॉब्लम है, है ना, मैथमेटिक्स में उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, स्टिल शी वांट्स कि वो जब कॉमर्स लेगी तो वो मैथ्स रखेगी साथ में, तो ये वो कैलकुलेट नहीं कर पा रही है कि मुझे मैथ्स में, वो बोल रही है साइंस में कर लेती हूँ बट साइंस उसे लेना नहीं है, लेना उसे फिर भी मैथ्स ही है, तो ये पता नहीं क्या है ये उसका, ये आप बताओगे। जब मैंने पूछा कि आपने 11th में कॉमर्स लेना है तो नहीं, उसने आपने 11th में क्या लेना है तो उसने बोला कॉमर्स लूंगी, तो मैंने कहा मैथ्स साइंस नहीं लोगे, तो तुरंत बोला कि कॉमर्स मैथ्स लूंगी मैथ्स के साथ। जी जी, आप ये अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने चरणदीप मैम, ये ऑब्जर्व करने वाला वर्जन था। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं तो इस लड़की में ना मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी है क्लियर कट, और एक मैम डांसिंग उसके जेस्चर से भी झलक रहा है, डांस के पोज तो बना रही है उसमें जी, और एक मैम मुझे एक पॉकेट इज नॉट एनफ लगी, तो ये मेरे हिसाब से तो मैम बैलेट होना है। वेरी राइट ऑब्जर्वेशन सर, एनालिसिस अच्छा है, रेमेडी अभी देखते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। जी मैम, मैम मुझे भी, हाँ मुझे भी ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव लगे, और जैसे बोथ हैंड्स मतलब जैसे लिटरली कोई भी जेस्चर करते तो वन हैंड से, ये दोनों हैंड अपने अपना मतलब जेस्चर ये दिखा रही है, एंड कभी कभी ये ना मुझे कंफ्यूज भी लगी, एंड ये अपनी मॉम की तरफ देखती है कंफर्मेशन के लिए, और वो भी ऐसे करके तिरछी नजर से देखती है कि देखिए मम्मा क्या कह रही है ना, देन वो रिप्लाई करती है, और आपने बताया कि वर्सेस मेकिंग में भी है, जैसे आपने बताया कि दही खाती है तो वो इस तरह से बना के बोली हाँ मैं दही खाती हूँ इस तरह से। फिर मुझे एक चीज ये भी लगा कि 10th स्टैंडर्ड में है बट वो लगता नहीं है कि ईयर पियर्सिंग कराई भी है या नहीं, क्योंकि आजकल तो सभी लोग ईयर्स में कुछ ना कुछ तो डालते ही हैं बट ये नहीं डाली अभी तक, ये भी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा, एंड डांसिंग भी है एंड वॉन्डरिंग डिजायर में भी है, और ट्रेवलिंग नहीं लगा क्योंकि ये बोली ना मतलब इसका कोई डेस्टिनेशन है नहीं, इस वजह से वॉन्डरिंग। मेडिसिन का तो मुझे ना करा था बट आई डोंट नो, क्लैरिटी ऑफ माइंड है उसमें नहीं? नो मैम, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कुछ, क्योंकि खुद बोलती है खुद कंफ्यूज भी हो जाती है, फिर कितना मार्क्स आता है 70% 80% खुद को नहीं पता, उसकी मम्मी ने बताया तब वो कंफर्म कही हाँ हाँ, फिर मैथ्स लेना है ऐसे, फिर मैथ्स नहीं भी लेना है नेक्स्ट में बोली कि नहीं मैं कॉमर्स लूंगी उसमें मैथ्स नहीं आता है, इस वजह से मुझे इसमें भी नहीं लगी ये, तो थैंक यू सो मच। बढ़िया, और कोई बोलेंगे? शैल आई डिस्क्लोज? हेलो, हाँ तुषार सर, आप भी अपना एनालिसिस डालिए ना प्लीज। तुषार सर, हेलो। हाँ सर, मैंने बोल दिया ना। जी जी, नहीं तुषार सर, हॅलो सर, मी हॉस्पिटलला आहे, एक इमर्जन्सी आली कॉल करतो, पण एक मिनिट वेळ काढा, असं इतकी इमर्जन्सी कोणाकडेच नसते प्लीज माझ्यासाठी। मॅडम मी 5 मिनिट बताता हूँ, एक इमर्जन्सी आहे, एक 5 मिनिट।
हेलो 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 हाँ जी हाँ हाँ मैम जी सारिका मैम हेलो 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 हाँ जी सारिका मैम हाँ हाँ मैम केस तो मैंने पूरा देखा नहीं, लेकिन है ना जब अभी डिस्कशन हो रहा है ना कि बेला और नक्स का, ये मेरे को थोड़ा एक आइडिया है। एक केस में मैंने देखा था कि जो डिस्टर्ब एवर्स टू बींग में प्रेजेंटेशन वही होता है केस में, तो नक्स और बेला में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मतलब नक्स है तो नक्स को वो उसका जो एम्बिशन है या उसका काम है उसमें फर्क पड़ रहा है ना, इसलिए वो डिस्टर्ब एवर्स टू बींग में जाता है। और बेलाडोना का क्या है कि मुझे लोड नहीं लेना है तो इसलिए वो फिर डिस्टर्ब एवर्स टू बींग में जाता है। तो अभी जो सब लोग बता रहे उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मतलब एम्बिशियस इतनी नहीं है, तो ये बेला की तरफ ज्यादा जा रहा है कि नहीं, एम्बिशियस तो है, उसने बोला मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, टेंथ में परफॉर्म अच्छा करना है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मुझे ज्यादा कम्युनिकेटिव लगी। हेलो, और इसमें डांसिंग एबिलिटी भी ज्यादा है मैम, और ज्यादा ज्यादा गेस्चर शी इज डूइंग विद हैंड इन वॉलंटरी मूवमेंट्स। और एक कॉन्ट्ररी लगा कि इसको दही पसंद है, पर इसके साथ इसको एलर्जिक राइनाइटिस की, दही से भी उसको तकलीफ होती, स्टिल शी इज ईटिंग द कर्ड्स। तो मुझे सल्फर का फील आया मैम। वेरी नाइस एनालिसिस। आ जाए अंदर। एलर्जी के और दही खाती है, सो दैट इज आल्सो, ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था, ये भी वेरी राइट। शिदा मैम आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी और बताइए। कोई और बताएंगे या ऐसे इसको डिस्क्लोज करें? जी मैम डिस्क्लोज कीजिए। जी मैम। ओके सो आई थिंक सभी ने, जो भी ग्रुप में भी मैं देख रही थी कि ऑब्जर्वेशन बहुत से डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा ऑब्जर्व किया है। रेमेडी तक तो कोई बात नहीं, पहुंचे नहीं पहुंचे, जो भी उसका मैंने भी मतलब रूब्रिक्स लेकर और ऑब्जर्वेशन पे ही रेमेडी को मैच करके ही रेमेडी दिया था। तो अभी भी जितने पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उनका वंडरफुल एनालिसिस है और ऑब्जर्वेशन वेरी करेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं इस केस को डिस्क्लोज मतलब इसका एनालिसिस वही सेम हाउ ऑफ द केस से हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है कि ये पेशेंट जब मेरे सामने बैठी थी ना, और बहुत ही डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा इसको ऑब्जर्व किया है कि इस पेशेंट के फेस पे मुझे कहीं भी टिमिडिटी नजर नहीं आई, ठीक है। इसने चाहे इसको मेरी क्वेरी जो है समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या मुझे आंसर दे पा रही है नहीं दे पा रही है, उसने मतलब मुझे कॉन्फिडेंटली ही आंसर दिया है। सो मैंने इसका रूब्रिक जो है सबसे पहले कॉन्फिडेंटली लिया था कि ये मुझे गर्ल जो है बड़ी कॉन्फिडेंट लगी, चाहे उसको आंसर पता है, चाहे वो अपनी मस्ती में है, चाहे कुछ भी है, तो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट रूब्रिक जो मैंने लिया था वो कम्युनिकेटिव लिया था। कम्युनिकेटिव इसलिए नहीं कि वो गेस्चर्स कर रही है बहुत सारे कि ऐसे हो गया था, सिर दर्द हुआ तो उसने बहुत सिर को ऐसे ऐसे करके दिखाया, दैट इज व्हाई इट इज शी इज कम्युनिकेटिव, और बहुत सारे सॉफ्ट गेस्चर्स भी थे इसलिए कम्युनिकेटिव ही लिया। बट उसने मुझे ये वाली बात बताई कि जो उसको बुखार हुआ था जब, तो उसने जो सिर दर्द उसको हुआ था वो अजीब ही था, वो अलग ही था। ये बात उसने मुझे बतानी बहुत जरूरी समझा कि भाई ये बताना चाहिए, डॉक्टर के पास गए हैं तो शी शुड नो, मतलब जो मुझे पता है वो डॉक्टर को भी पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने रूब्रिक कम्युनिकेटिव लिया था। तो मेरे पास एक जैसे एक ओल्ड पेशेंट थी, उनको कैटरेक्ट, एक पुराने कोई, मैं पेशेंट की बात कर रही हूँ,
तो उनका कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ था, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई थी, तो पेशेंट मुझे ऐसे बोलती थी कि उनको क्या हुआ, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद उनको चुभन होती थी आँख में आफ्टर सर्जरी, और वो 2-3 महीने तक वो रह ही रही थी। तो उन्होंने बहुत एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी दिखाया, उसी सर्जन को भी दिखाया कि इस तरह से मेरे को ये चुभन हो रही है। तो शी यूज टू से कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक चुभन होती है। सो दिस इज नॉट कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव ये है कि उसने मुझे वो बात बतानी जो उसे पता है, उसके नॉलेज में थी, वो जो बात बताई उसने मुझे, मेरे तक पहुँचाने की कोशिश की। सो दैट्स वाई शी इज कम्युनिकेटिव, नॉट बिकॉज ऑफ हर गेस्टर्स। सो अगेन जो उसकी जो मस्ती है, जो सॉफ्ट गेस्टर्स है, और जो भी वो कर रही है, मतलब वो ऐसा तो नहीं लगा कि बड़ी सीरियस, किसी डॉक्टर ने बोला कि सीरियस लग रही है, एक्चुअली वो सीरियस नहीं लग रही है। सीरियसली अगर जो इंसान सीरियस होता है उसको कुछ अपने बारे में पता होता है, अपना नेचर पता होता है, अपने कितने मार्क्स आए हैं पता होता है कि हाँ कि मैंने पूछा कब से ये रनिंग नोज कब से है, राइनाइटिस कब से है, तो कहीं पर भी उसको ये चीज़ क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। सो ये क्या हुआ, ये हो गया फ्रिबुलस। सो दिस वॉज द हाउ ऑफ द केस। सो फिर मैंने इसका व्हाट ऑफ द केस क्या है कि इसने क्या बोला कि अभी हमें इसमें दो चीजें दिख रही है इस पेशेंट में ना, एक तो कहीं पे झूमता हुआ भी दिख रहा है, एक मस्ती मजाक वाली लग रही है, एक जगह पे कहीं पे थोड़ा सा एब्रप्ट भी लग रही है, कहीं पे थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि गेस्टर्स भी टेढ़े मेढ़े बना रही है। सो वो क्या चीज है, सो इसने क्या बोला, मुझे बुखार हुआ और जब मैं मुंडी हिला रही थी सिर में दर्द हो रहा था, साइनस की शुरुआत, डॉक्टर ने बोला साइनस की शुरुआत है और ये मेरा होता रहता है आता रहता है। सो शी यूज द वर्ड मुंडी। मुंडी एक्चुअली हम जब एक ठीक है घर में हो सकता है ऐसे वर्ड्स यूज करते होंगे, बट जो उसके गेस्चर जो उल्टा पुल्टा जो भी कर भी रही है ना, कहीं पे सॉफ्ट कहीं पे एब्रप्ट कहीं पे कुछ, तो यहाँ पे एक रूब्रिक लग जाता है, एलिगेंस वॉन्ट ऑफ एलिगेंस। मतलब वो मुंडी वाला ऐसा वर्ड बोलने से अच्छा कि हेड बोलती सिर बोलती, तो दैट इज मोर रिफाइंड लगता। फिर मैंने उसको पूछा कि कितना टाइम एग्जैक्टली हो गया कोल्ड से, सो क्या किया उसने, लुक्ड एट मदर एंड कंफर्मिंग द कि कितना टाइम हो गया, कि एक महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कितना टाइम हो गया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रूब्रिक और ये मेरा एंट्री रूब्रिक था और सभी डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे से लिया है, दिस इज मैथमेटिक्स इनएबिलिटी कोड। सो मदर ने ऐड किया कि मैंने इसे कितना बोला, चल पढ़ होम्योपैथी की दवाई ले ले, इसने कहा नहीं। सो वॉट इज दिस, दिस इज फ्रिवलस अगेन, शी इज वेरी फ्रिवलस कि जब दवाई लेने की जरूरत कब पड़ी, एंड में जब तक उसकी मम्मी कह रही थी तब तक वो नहीं आई। फिर मैंने उससे पूछा कि सिम्टम्स क्या है, तो उसने बोला कि बार बार छींकें आती हैं, रनिंग नोज है, और मैंने पूछा कि इसको लेकर मन में क्या फील होता है, तो इसने बोला कि इरिटेशन ही होती है, बाहर इतना नहीं होता घर में होता है। सो इस पेशेंट में जो है इनटॉलरेंस ऑफ हीट भी रहता है, क्लोज रूम इस पर्सनैलिटी को बर्दाश्त नहीं है। सो मदर ने बोला कि जैसे ही एसी चलता है छींकें शुरू हो जाती हैं और एसी बंद करवा देती है, और इसने भी पेशेंट ने बोला कि भाई मेरे को ठंड से प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। फिर जो ये मेन बात इसने बताई थी कि जब बुखार हुआ था तो जो सिरदर्द हुआ था वो अलग ही था, जैसे कि कोई फेंक ही रहा हो, पूरा प्रॉपर एक्शन करके बताया कि जैसे कोई सिर को फेंक ही रहा हो। सो ये क्या है, इस जो ये चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड, ये इस चीज़ को लेके थोड़ी सी डर गई थी, इसको ये समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, सिर में एक्चुअली हुआ क्या, इसीलिए उसने मेरे को कम्युनिकेट भी किया। सो ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ से, ये जो अननोन चीज़, जो स्ट्रेंज चीज़ हुई, ये क्या चीज़ थी, डार्क। सो शी हेयर इज द रूब्रिक इज फियर डार्क ऑफ, इस चीज़ से ये डर गई कि ये हुआ क्या, मतलब ये क्या चीज़ हुई, मेरे सिर दर्द ऐसा क्यों हुआ। सो डार्क में क्या होता है ना, अंधेरे में हमें पता नहीं होता कि क्या 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 हो रहा है, अंधेरे में हमें कुछ नहीं समझ में आता। सो दिस वॉज हर डार्क, उसके लिए डार्क था कि आखिर मेरे सिर में हुआ क्या, ऐसा दर्द तो कभी भी नहीं हुआ। सो दिस वॉज फियर डार्क हो। फिर मैंने पूछा कि स्ट्रेंज क्या लगा और मन में क्या बात आई, तो उसने बोला कि सोने में ही सही लग रहा था, सो रही थी तभी ठीक लग रहा था। सो दिस वॉज हर लॉन्गिंग रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर, सोने में ही ठीक लग रहा था कि सो ही रहूँ तो अच्छा लग रहा है, तो ये मतलब सोने में ही वो डिजायर को फील कर रही थी। सो ये बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू नहीं है, ये है कि ट्रैंक्विलिटी, शी नीड्स ट्रैंक्विलिटी। फिर मैंने पूछा कोई स्ट्रेस पढ़ाई के लेकर किसी भी लेवल पर कोई भी स्ट्रेस, तो एक हल्की सी स्माइल पेशेंट ने दी कि एग्जाम्स का ही होता है और तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना, बहुत ही एक अच्छा स्माइल दिया उसने वहाँ पे। सो दिस इज डिल्यूजन वेल्थ। सो फिर मैंने पूछा कि क्या स्ट्रेस है,
बोर्ड्स हैं पढ़ाई कर, तो उसने बोला बोर्ड्स हैं पढ़ाई करनी है टेंथ की, अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं. सो दिस इज एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव. फिर मैंने उसको पूछा कि कितने मार्क्स आ जाते हैं, तो इमीडिएटली उसने बोला कि मैं एवरेज हूँ. ठीक है, सो मतलब उसने बिना सोचे समझे बहुत ही अच्छी तरीके से बोल दिया कि मैं एवरेज एवरेज हूँ. सो दिस इज हर ऑनेस्टी. सो आई टुक द रूब्रिक ऑनेस्ट. फिर मैंने उसको पूछा कि कहाँ लगता है कि मार्क्स नहीं आ पाते हैं, कहाँ वीकनेस फील होती है, तो उसने बोला कि मैथ्स में ही होती है. और मदर ने ऐड किया कि मैथ्स की ट्यूशन लगा रखी है. सो दिस इज अगेन मैथमेटिक्स इनएबिलिटी बोर्ड. फिर मैंने उसको पूछा कि मैथ्स जो अच्छा नहीं लगता, तो कहती है कि उसने कहा कि आ जाता है तो अच्छा लगता है और मन नहीं करता, मन करता है. सो व्हाट इज, यही यहाँ पे कोर है इस रेमेडी का ना, ये पूरा इस रेमेडी का जो बेस है वो यहीं पर है. उसने मुझे क्या बोला कि अच्छा जब आ जाता तो अच्छा अच्छा लगता है, और अगर नहीं आता तो मन नहीं करता. शी इज कन्फ्यूज, मतलब ये उसने कन्फ्यूजन में बोला. सो ये क्या है, इसका रीजन इंक्रीज पावर. अगर उसे मैथ्स पसंद नहीं है तो डायरेक्टली बोल सकती है नहीं पसंद मैथ्स, मैं नहीं कर पाऊंगी आगे. ठीक है ना, बट वो अगला इंसान जो है डॉक्टर मुझे बुद्धू ना समझ ले या जीरो ही बिल्कुल मैथ्स में ना समझ लो, शी इज गिविंग द रीजनिंग कि नहीं नहीं जब अच्छा लगता है तो मैं कर लेती हूँ और नहीं हो पाता तो मैं नहीं कर पाती हूँ. सो दिस इज रीजन इंक्रीज पावर ऑफ, शी इज गिविंग रीजन टू हर, अपने अपने उसको रखने के लिए वो रीजन दे रही है, अपने रीजन को पावर दे रही है. सब सो जब मैंने पूछा अपना नेचर थोड़ा सा बताओ क्या अच्छा लगता है, तो उसने एक बहुत कंफ्यूज हो गई, बोला अपना नेचर याद ही नहीं रहता, दूसरों का तो थोड़ा बता भी दो. सो ये क्या चीज़ है, दिस इज अनऑब्जर्विंग, दैट इज इनअटेंटिव. ये रूब्रिक मैंने लिया था अनऑब्जर्विंग, अनऑब्जर्विंग. फिर उसने बोला कि मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है, बाहर ही पसंद है, और बाहर मुझे कैसे भी अच्छा लगता है. तो मैंने एक जगह कन्फर्म भी किया था कि बाहर मतलब कहीं ट्रैवल करने जाना है वो अच्छा लगता है या ऐसे कहीं चले गए, तो उसने बोला कैसे भी अच्छा लगता है, ऐसे भी वैसे भी. और उसकी मदर ने ऐड किया कि वो फुटबॉल भी खेलती है, बैडमिंटन भी खेलती है, और स्पोर्ट्स में इसका बहुत इंटरेस्ट है. तो ये यहाँ पे रूब्रिक मैंने लिया था हाइपर एक्टिव, तो कैसे भी मतलब बाहर ही उसको रहना पसंद है. सो जब मदर ने कहा तो घूमना सभी को पसंद होता है, तो उसने तुरंत बोला कि मुझे ज़्यादा पसंद है. सो वॉट इज दिस, दिस इज हर ईगोटिज्म, यहाँ पे ईगो उसका नजर आया. और फिर मैंने पूछा कि फ्रेंड्स कितने हैं, तो स्कूल में उसने बोला कि फ्रेंड्स का स्क्वाड है और सोसाइटी में बहुत सारे हैं. सो दिस वॉज डिल्यूजन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग शी हैज. फिर मैंने उसको पूछा कि और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, तो उसने बोला कि डांस पसंद है और क्लासिकल डांस सीख रही हूँ. तो दिस वॉज द क्लियर रूब्रिक दैट इज डांसिंग एबिलिटी फॉर. और फिर मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कितने साल से डांस सीख रहे हो, सो अगेन शी लुक्ड एट द मदर एंड कन्फर्मिंग द ईयर्स कि 4 साल 5 साल पता नहीं कितने साल. सो दिस वॉज अगेन द मैथमेटिक्स इनएबिलिटी. फिर मैंने उसको ये पूछा कि अभी क्यों लगा कि दवाई लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसने तुरंत बोला कि बहुत हो गया, दिमाग ख़राब हो जाता है, 1-2 छींकें नहीं आती, 10-12 छींकें आती हैं, और मतलब इसलिए मुझे दवाई अब लेनी है. सो ये रेमेडी का क्या है ना, अभी ये रेमेडी बहुत वेल्थ वाली रेमेडी है, धीरे धीरे जब पॉवर्टी की तरफ जाती है तो इसका विल पावर जो स्ट्रांग होता है ना, विल पावर धीरे धीरे कम होने लग जाता है. सो मैंने यहाँ पे रूब्रिक लिया था विल, लॉस ऑफ विल पावर. तो उसके बाद उसने मैंने उससे पूछा कि जब बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं तो आप क्या करते हो, तो बोलती है एक्शन करके उसने बोला कुछ नहीं करने का मन करता, बस बैठ जाऊँ, दैट इज क्वाइट वॉन्ट्स टू बी. सो आई थिंक नाउ द रेमेडी इज वेरी क्लियर एंड द रेमेडी आई हैव गिवन हर सल्फर. सल्फर 200 मैंने उसको 3 डोजेस दिया था, और 3 डोजेस में शी वॉज क्योर्ड. और एक टाइम बस पेशेंट मेरे पास सिर्फ प्लेसिबो के लिए आई थी, एंड उसकी मम्मी ने मुझे कॉल पे बताया था कि अभी छींके नहीं आ रही है, शी इज़ मतलब अराउंड 80-90% शी इज़ बेटर. और क्योंकि फ्रिवुलस है पेशेंट, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल बार बार मेडिसिन लेने के लिए मदर को बोलती, ऐसा नहीं है. सो जितने भी गेस्चर्स हैं ना, ये जो भी उसके दीज आर सॉफ्ट गेस्चर, जैसे आपने शुरू में देखा होगा मदर को स्टेयर कर रही है और होता रहता है आता रहता है, ये राइम्स में बोलना, और दही पसंद है हमेशा, ठीक है ना. तो आप अगर पेशेंट को सामने सुनोगे ना, तो जैसे एक ये दत्ताराय सर ने बोला कि उसको म्यूट करके जब हमने सुना तो एक झूमने वाली एक गर्ल लगी, बहुत ही मस्ती वाली, अच्छी वाली, तो बहुत ही अपीलिंग लगी. उसके गेस्चर्स भी बड़े अपीलिंग थे, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा चार्म फील हुआ. सो ये मैंने यहाँ पे उसको लिया था कि चार्मिंग अदर्स, ये रूब्रिक भी मैंने लिया था कि मुझे उसको ऐसे देख के ऐसा लगा कि बात करते भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, अगर हमारा केस टेकिंग थोड़ा और लंबा हो भी जाएगा
तो इट्स नो मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस वॉज द व्हाट ऑफ द केस. नाउ अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि वाई ऑफ द केस क्यू है, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि सल्फर जो है उसका कोर जो है ईगोटिज्म, एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म. अभी ईगोटिज्म अभी टेंथ के बोर्ड्स में क्या होता है ना कि इंडियन सोसाइटी में टेंथ इज अ सोशल स्टिग्मा वाली बात हो जाती है कि टेंथ के टेंथ में क्या होता है कि सबके चाहे हमारा हो चाहे किसी भी डॉक्टर या जो भी हमसे ऐड हुए, तो टेंथ जो है टेंथ के बोर्ड्स ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है कि इवन कि टीचर्स भी बच्चों को बचपन से बोलते हैं टेंथ में तुम क्या करोगे, पेरेंट्स प्रेशराइज कर देते हैं टेंथ में क्या होगा तुम्हारा. तो टेंथ जो एक सोशल स्टिग्मा वाला बोर्ड आता है. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया कि टेंथ में इस पेशेंट की कैपेबिलिटीज पे बात आ रही है कि कहीं ना कहीं उसका एम्बेरसमेंट से फेस ना करना पड़ जाए, तो उसको मतलब छुपाने के लिए शी इज गेटिंग कि अभी टेंथ में उसके मतलब कैपेबिलिटीज को नोटिस किया जाएगा, तो उससे उसको एम्बेरसमेंट नहीं होना है. तो शी इज डूइंग द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स कि भाई मुझे मार्क्स अच्छे लाने ही लाने हैं. और आज की डेट में 70-80% मार्क्स का कोई कुछ भी मतलब ना के बराबर ही है, और इवन 90% भी ना के बराबर ही है, जबकि मार्क्स आपके 97% 98% मार्क्स ही मार्क्स गिने जाते हैं आज की डेट में. सो ये इसका, और जब मैंने इसको पूछा था कि आपने 11th में क्या लोगे, तो वहाँ पे इसने बोला कि कॉमर्स ही लेना है. तो मैंने पूछा कि मैथ्स और साइंस तो नहीं लोगे आप, तो कहते नहीं कॉमर्स विद मैथ्स ही लेना है. फिर से ईगो पे बात आ गई कि मैं इसकी जो प्राइड है ना एक इम्पॉर्टेंट है, वो प्राइड को ये रेमेडी जो है नीचे नहीं लगने देती बिल्कुल. सो वाई ऑफ द केस मैं थोड़ा यहाँ से डॉक्टर राजन शंकरन सर का थोड़ा सा रीड करूँगी जो कि बहुत ही क्लियर हो जाएगा फिर सोलो रेमेडीज से कि सल्फर जो है मिनरल रेमेडी है. इट इज अ किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज. द मेन फीलिंग ऑफ सल्फर इज दैट ऑफ बींग स्कॉर्न्ड सप्रेस्ड पुट डाउन क्रिटिसाइज. The person is made to feel humiliated, his pride is hurt. Embarrassment is one of the main feelings in sulfur. There is therefore a constant effort, a struggle to come up again. ये constant effort ही चलता रहता है sulfur में कि कहीं मेरे हिंदी में ego को बोलते हैं जो इस पर मतलब आँच नहीं आ जानी चाहिए. To be summoned to something, to earn respect. He feels that he is expected to be good in his appearance, his relationships and his business. एंड दीज इंक्लूड उसके लिए क्या चाहिए उसको नॉलेज टैलेंट कैपेबिलिटीज. फेलिंग दिस ही विल हैव टू फेस कॉन एंड बियर एम्बेरसमेंट. द स्ट्रगल इज फॉर ईगो एंड ऑनर. ईगो इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम इन सल्फर एंड एफर्ट वन ऑफ द मेन एक्शंस. द एफर्ट एंड द फीलिंग्स आर बोथ सोरिक इन अ सेंस दैट देर इज अ काइंड ऑफ होपफुलनेस इन सल्फर पेशेंट्स. द टास्क इज नॉट टू हाई एंड दे आर क्वाइट ओपन ऑप्टिमिस्टिक. अभी देखो सल्फर का क्या है कि ईगो पे बात आती है, बट सल्फर जो है इतना इतनी वेल्थ वाली रेमेडी है, इतना होपफुल है, इतना ऑप्टिमिस्टिक है ना, तभी इस पेशेंट के गेस्टर्स भी आप देखो बड़े सोरिक गेस्टर्स है जो स्टेयर कर रही है या जो कुछ भी झूम रही है नाच रही है. ये इतने लेवल पे सिप्लिटिक लेवल पे जाता ही नहीं है इतना सल्फर. सो इसलिए ये पेशेंट जो है हमें बड़ा चार्मिंग भी लगता है कि देखो एक तरफ बहुत एफर्ट्स भी करने हैं, टेंथ में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, बट एक तरफ एक अपने अंदर एक वेल्थ भी पैदा किया हुआ है कि मैं ले आऊंगी, मैं करके दिखा दूंगी, मुझे एम्बेरस नहीं होना है, मुझे अपने ईगो को हर्ट नहीं करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फर. सो आई थिंक कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछिए. एक्सेलेंट मैम, बहुत सारे रूब्रिक और पूरा ही सल्फर हो गया. अच्छा एक और चीज मैम, जिसे उसने बोला ना मेरा स्क्वाड है गेम्स में, मतलब इसने बहुत अलग वे में बोला था, ये जो वर्ड बोला था ना कि वहाँ वहाँ मतलब टीम में वो मेरा स्क्वाड है, तो वहाँ भी एक ऐसा लगा ग्रेटनेस ये हो या वो कह लीजिए उसको कि वो मुझे हाँ वेल्थ भी कह सकते हैं. जी मैम, तो वो एक फीलिंग आ रही थी उसमें. पूरी रेमेडी पूरी गर्ल ही मुझे वेल्थ वाली लगी. मेरे सामने जब बैठी थी मुझे ये लग रहा था कि इससे अगर मैं अगर एक घंटा और बात कर लूंगी तो कुछ नहीं जाएगा ना उसका ना मेरा, मतलब एक बहुत ही कम्युनिकेटिव और नहीं भी पता है कोई बात तो उसमें भी कॉन्फिडेंस लगा. और अगर हम इसका डीडी रेमेडीज जो आ रही थी जो नक्स कैसे हम इसको कर देंगे आउट नक्स ना, एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा लगा कि माँ की बकबक जो है इतनी नहीं सुनता ना, इतना नहीं इतना बर्दाश्त नहीं करता कि बीच में जो इंटरफेयर कर रही थी ना मदर की, तेरे को सिर दर्द तो नहीं हो रहा तेरा ऐसा, तो नक्स जो होता अगर तो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाता. यहाँ पे क्या है कि वो सॉफ्ट गेस्टर्स दे रही है, कहीं पे भी गुस्सा या ऐसा कुछ नहीं कि अनॉयड हो गई या कोई भी सिफिलिटिक गेस्टर नहीं कि जो मुझे बुरा लगे या मदर को एकदम हर्ट हो जाए. सो इसलिए नक्स यहाँ से रूल आउट हो जाता है. और नक्स जो है ना बहुत ही इम्पेशेंट रेमेडी है. नक्स का रूब्रिक है इम्पेशेंस कुराइजा.
अगर प्रॉब्लम होती है तो नक्स जो है वो इस प्रॉब्लम से निकलने की भरपूर कोशिश करता है कैसे भी करने की. ऐसे नहीं कि वो वेट नहीं करता रहता कि जब तक पॉवर्टी की तरफ नहीं जाऊंगा तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा. दूसरी रेमेडी जो फॉस्फरस आ रही थी, फॉस्फरस में क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है. तो बहुत से डॉक्टर्स ने फॉस्फरस बोला, यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं है. पेशेंट मतलब हर जगह जहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा कितने साल, कितना अगर आपको डांस कब से सीख रहे हो, कितना, कहीं पे भी मुझे क्लियर आंसर नहीं दिया. कितने मार्क्स आते हैं, कहीं पे भी कोई भी क्लियर आंसर नहीं था. तो यहाँ से फॉस जो है रूल आउट हो गई. अगर हम लैकेसिस देखें तो लैकेसिस बहुत ही कैलकुलेटिव रेमेडी होती है और बहुत ही कॉन्शियस और एंशियस होती है. अगर जरा सी भी उसको कुछ प्रॉब्लम होती है वो तुरंत ही यहाँ पे डॉक्टर के पास जाती है. ऐसे नहीं कि अभी अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके बैठी है, ऐसा नहीं होता. और बैल से हम इतना कम्युनिकेट नहीं कर सकते. बैल एक कम्युनिकेशन ही है और वो भी कैरेट, डिजायर टू बी कैरेट फास्ट में है. और लाइको को अगर देखें तो लाइको बहुत ही इंट्रोवर्टेड रेमेडी है, बहुत कावर्डनेस है उसमें. और लाइको को भी बहुत चीज़ें हमें उबलवानी पड़ती है, मतलब वो भी नॉन कम्युनिकेटिव है, इतना कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है. और एक शाई रेमेडी है लाइको भी. तो यहाँ से नक्स, लाइको, फोस और लैकेसिस, बैल जो है सारे रूल आउट हो गए थे. तो मैंने इसको सल्फर दिया था और सल्फर जो है मेरी फेवरेट रेमेडी है. मैम ये एलिजेंट वांट ऑफ एलिजेंट वाला रूपिक एक बार और बताइए प्लीज. हाँ, एलिगेंस इसलिए मैंने लिया सर. वैसे तो खैर बहुत हाई लेवल पे उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस ये जब वो ये बोला ना मुझे बुखार हुआ तो मैं मुंडी हिला रही थी. हम यूजुअली ऐसा वर्ड नहीं यूज करते, मुंडी हिला रही थी. हम डॉक्टर के पास बैठे हैं तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करते हैं कि भी मेरा हेड में ऐसा हो गया या मेरा सिर दर्द हो रहा था. और जो भी थोड़े बहुत जो बीच बीच के एब्रप्ट जो गेस्चर्स थे उसमें थोड़ा सा एलिगेंस चाहिए था. इवन थो द पेशेंट वॉज चार्मिंग बट सिंस ही शी रिक्वायर्ड सच एलिगेंस. एलिगेंस दूसरे एक बहुत सा अच्छा ऑब्जर्वेशन किया डॉक्टर्स ने कि जब मैंने भी मेरे सामने बैठी थी मुझे थोड़ा उसमें बॉयश लुक आया, मैनिश लुक आया बोलने में, थोड़ा सा उसकी वॉइस में. तो एक टॉम बॉय, कई डॉक्टर्स ने लिखा कि टॉम बॉय जैसा लग रहा है. तो ये कॉफिटिश नॉट इनफ हम ले सकते हैं रूबरे के यहाँ पे. वही ना मैम, उसका जो उसने कुछ भी मैंने बोला था ना, उसको लिपस्टिक नहीं लगाया या कुछ कानों में नहीं है या वो खाली टी शर्ट में आई है, तो ये एलिगेंस नहीं ना उसमें, कुछ भी नजाकत नहीं है उसमें. जो लड़कियों गर्ल्स वाली नजाकत बिल्कुल नहीं है उसमें. तो हाँ, मुझे वो रूबरिक याद नहीं आ रहा था लेकिन ये मैंने पकड़ा था. जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही. जो एक एलिगेंस होना चाहिए, जो गर्ल्स की नजाकत होनी चाहिए वो नहीं थी. और इवन की वॉइस भी आप देखो थोड़ी मैनेज वॉइस थी, क्योंकि जैसे ही वो बैठी है थोड़ी सी एकदम से मेरे भी जिसको बोलते ना एकदम अलर्ट हो जाता है माइंड की आवाज, थोड़ी लड़कों जैसी आ रही है. सो शी वाज चार्मिंग. सल्फर के लिए कोई और क्वेरी सर? गुड इवनिंग मैम. Ma'am, it's not about the remedy. When we take rubrics, when we choose rubrics, I feel like we are self-contradicting. Like for example, ma'am, when we take repose, tranquility and hyperactive. So this is contradictory. And when we take quiet wants to be and when we take hyperactive. And when we take charming others and intolerance, like there are so many rubrics which are self-contradicting in its own. So how does it work together? Like two rubrics are opposing each other. So overall personality ko humne dekh ke chalna, overall jo ek person hota hai, jo insaan hota hai, har waqt ek hi jaisa nahi rehta na, hum ek hi jaisa gesture nahi leke chal sakte, ek hi monotonous life nahi ho sakti. Kisi bhi koi bhi person monotonous nahi hai. घर पे कोई कैसा है, बाहर कोई कैसा है, बाहर सीरियस है, अंदर कैसा है. या कोई लोग अंदर कुछ नहीं बोलते, बाहर बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं. तो एक तो वहाँ पे हमें एक मिक्सचर ऑफ रूब्रिक्स हमें इस तरह से लेने पड़ते हैं कि कहीं पे वो चार्म कर रही है बट कहीं पे एलिगेंस नहीं है. और जैसे आप कह रहे कि वो कहीं पे ट्रैंक्विलिटी चाहिए और कहीं पे हाइपर एक्टिविटी है. तो अभी ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे चाहिए? जहाँ पे वो नॉर्मल नहीं है, जहाँ पे उसको बहुत छींके आ रही है, बहुत परेशान है, तो वो सोना चाहती है. मतलब क्वाइट वॉन्ट्स टू बी और सोना चाहती है. पर जब बंदा हेल्दी होता है तो हमेशा सोता है तो नहीं रहता, वो बाहर ही जाएगा, घूमेगा फिरेगा, जिसका जैसा नेचर होगा. मतलब वो ये सल्फर जो हाइपर एक्टिव है, वो उसने मदर ने ऐड किया कि वो बैडमिंटन खेलती है, स्पोर्ट्स में जाती है, ये फुटबॉल खेलती है,
तो उसने खुद ही बोला मुझे फिजिकल एक्टिविटीज पसंद है, तो जब वो नॉर्मल उसमें है अपना तो वो खेलेगी कूदेगी, वो हर वक्त वो रिपोज वो ट्रैंक्विलिटी तो नहीं चाहेगी। या मैम, इन दिस केस इट्स ऑब्वियस व्हाट यू आर टेलिंग इज करेक्ट, बट व्हाट आई मीन टू से, डज इट मिसगाइड इन द चॉइस ऑफ रेमेडी व्हेन वी कॉन्ट्राडिक्ट आवर रूब्रिक्स?